हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 3 कंप्लीट देखा था, आज हम प्रॉब्लम सेट 4 देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। ये नंबर्स हमें जो दिए हुए हैं वो हमें रीड भी करना है और हमें इन्हें वर्ड में लिखना है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 7 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 एंड 6 डिजिट नंबर हम लिखते हैं तो उसे लाख में लिखते हैं। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 25 lakh 79,000 ये हमने इन वर्ड लिख लिया। हम अब सेकेंड देखते हैं, 30,70,506 ये नंबर हमने इनवर्ट लिख लिया। अब थर्ड देखते हैं, 45 lakh 41,704 क्वेश्चन नंबर 4, 21 lakh 9। देखिए, यहाँ पर 10,000 की प्लेस नहीं है इसलिए हम 9,000 बोलेंगे। 9,900 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 lakh 7,854। देखिए, ये 50 lakh है लेकिन आगे के कोई भी प्लेसेस पे हमें नंबर नहीं दिए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 50 lakh। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 60 lakh कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, 10,000 भी नहीं है, 1,000 भी नहीं है और 100 भी नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 60 lakh and 10। यहाँ पर देखिए, 70 lakh है मगर 10,000 वाली प्लेस नहीं है, डायरेक्ट 100 है तो हम लिखेंगे 70 lakh एंड आप 100 भी लिख सकते हैं या ओनली 100 भी लिख सकते हैं, 70 lakh and 100 या फिर 100। या ये नंबर देखिए, 80 lakh
80 lakh एंड यहाँ पे 10,000 की प्लेस नहीं है, डायरेक्ट हमें यहाँ पर 1,000 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 80 lakh एंड 1,000 लिखिए ये आप, या फिर लिखिए 1,000, 80 lakh एंड 1,000। 10 नंबर देखिए, 10th एग्जाम्पल, 90 lakh, 90 lakh एंड 10,000, ये कितने हैं, 10,000। नेक्स्ट नंबर देखिए, 91 lakh, 91 lakh, आगे के नंबर्स हमें नहीं दिए, 91 lakh ओनली। लास्ट नंबर है 99,99,999, 99 lakh, 99 lakh, 99,000, 900, 900 and 99। तो ये पूरे नंबर्स हमने इन वर्ड लिख लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। गिवन बिलो आर द डिपॉजिट्स मेड इन द वुमन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट, रीड दोज फिगर्स। तो यहाँ पर हमें जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के वुमन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने जो डिपॉजिट जमा कराई, उसकी यहाँ पर कुछ हमें नंबर्स मतलब रकम दिए भी है, वो रकम हमें रीड करना है। देखिए यहाँ पर पुणे की जो सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी, जो वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है पुणे डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने कितने डिपॉजिट कराए, तो उन्होंने ₹94,29,408 डिपॉजिट कराए। नासिक डिस्ट्रिक्ट के वुमेंस ने कितने रुपीस डिपॉजिट कराए, ₹61,07,187। नागपुर ने ₹46,53,570 जमा कराए। अहमदनगर की वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने कितने रुपीस जमा कराए, ₹45,43,159। औरंगाबाद ने ₹37,01,282। यवतमाल की सोसाइटी ने 27,72,348। और सिंधु दुर्ग ज़िला जो है वहाँ के कितनी रकम डिपॉजिट हुई, ₹58,49,651। तो ये क्वेश्चन जो था ये हमें सिर्फ रीड दोज फिगर्स था, मतलब कि हमें ये फिगर्स को क्या करना था, रीड करना था, जो हमने कर लिया। तो आपको ये प्रॉब्लम सेट 4 समझ में आया बच्चों? अगर आपको प्रॉब्लम सेट 4 अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।